फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे पैंट, लेडीज़ पैंट की स्टिचिंग। तो कटिंग हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी और आज हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो ये देखिए, ये हमारे पैंट के फ्रंट और बैक के दोनों पल्ले हैं। ये है फ्रंट का और ये है बैक का। तो अभी हमने क्या करना है कि पहले फ्रंट का पीस लेना है और यहाँ पर आसन की सिलाई लगानी है, और फिर बैक के पीस में भी हमने सेम आसन की सिलाई लगानी है और इसको डबल कर लेना है। तो चलिए हम सिलाई लगाते हैं। तो ये देखिए, मैंने फ्रंट का पीस ले लिया है। यहाँ से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है, आधे इंच का मार्जिन छोड़ना है और पक्का करके हमने सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने आसन पर डबल सिलाई लगा लेनी है। अब हमने बैक का पीस लेना है और इसके आसन पर भी हमने सेम तरीके से डबल सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। तो ये देखिए, सिलाई हमारे दोनों ही फ्रंट और बैक के आसन में लग गई है। अब हमने फ्रंट का पीस लेना है। ये देखिए, ये हमने फ्रंट ले लिया है और यहाँ पे हमने कमर का मेज़रमेंट लेना है। तो कमर थी हमारी 28 इंचेस, तो उसका फोर्थ पार्ट लिया था हमने, देखिए 7 इंचेस। तो 7 पर हमने यहाँ पे मार्क किया था और 2.5 इंचेस से आगे लिया था। तो देखिए, यहाँ पर हमारी 1.5 इंच की प्लीट डलेगी इस तरीके से, टोटल में 1.5 इंच। और यहाँ पर हाफ इंच देखिए सिलाई में गया और यहाँ पर भी हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो ये टोटल हमारा 2.5 इंच सिलाई में कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको फोल्ड करना है और एक कट डाल लेना है ताकि हम इन दोनों पीसेस में यहाँ पर प्लीट डाल सकें। और नीचे ये 4 इंच पे हमने मार्क किया था, इसको हमने बैक साइड में भी हमने इसकी मार्किंग कर ली और इन दोनों ही पीसेस में हमने प्लीट डाल लेनी है। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर से हमने 1.25 इंच पे मार्क करना है और नीचे हमने 4 इंच पे मार्क किया है। तो 1.25 इंच को नीचे हमने 4 इंच के पॉइंट तक इस तरीके से तिरछा मिला लेना है और इसी तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से तिरछी। और सेम ही प्लीट देखिए इस साइड में भी डलेगी, ऊपर से लेकर कट से लेकर नीचे इस पॉइंट तक। तो अब सेम ही तरीके से हमने दोनों साइड में प्लीट डाल लेनी है। तो देखिए, ऊपर से हमने 1.25 इंच पे मार्क किया था और नीचे 4 इंच पे। तो ऊपर से 1.25 इंच से सिलाई चलाते हुए नीचे 4 इंच पर हमने बिल्कुल नोक बनाते हुए इस तरीके से तिरछी सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, दोनों ही प्लीट्स डल गई हैं। तो देखिए, अब हमने यहाँ पर कमर का मेज़रमेंट लेना है। तो कमर हमारी राउंड में थी 28 इंच, तो 28 का हाफ हम 14 लेंगे क्योंकि ये सिर्फ फ्रंट पीस है, तो हाफ ले लेंगे। तो 14 में हमने 1 इंच लेना है मार्जिन का, जो हाफ इंच यहाँ सिलाई में जाएगा और हाफ इंच दूसरी साइड जाएगा। तो टोटल होगा 15, लेकिन ये हमारे पास 15.5 आ रहा है, तो हम थोड़ा ज़्यादा भी हम दोनों साइड से मार्जिन ले लेंगे और 14 इंच की हम कमर रेडी करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने बुकरम ले ली है और यहाँ पर जो हम बुकरम लगाएंगे और बैक साइड में इलास्टिक लगाएंगे तो दोनों की चौड़ाई सेम होनी चाहिए, तभी हमारी लेंथ बिल्कुल सही आएगी पैंट की। तो इस तरीके से हमने बुकरम को एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखना है और इस तरीके से देखिए कपड़े को हमने फोल्ड करना है, इसके ऊपर इसको स्टिच कर लेना है। फिर देखिए, ऐसे एक और फोल्ड करना है और अब हमने मार्जिन लेना है। जितना मार्जिन हमें पैंट के साथ अटैच करने के लिए चाहिए उतना ले लेंगे। तो इस तरीके से मेज़रमेंट करने के बाद इसको देखिए, इस मेज़रमेंट कर लेंगे कि ये कितनी विड्थ है इसकी। तो ये 4 इंच आ रही है, तो 4 इंच पर हमने पूरी मार्किंग कर लेनी है और इसको कट कर लेना है। और लेंथ हमने इसकी ले ली है 15.5, जितनी हमारी फ्रंट वाले पीस की कमर की लेंथ थी उतनी ही हमने ले ली है। तो ये देखिए, ये पीस हमने 15.5 इंच का लंबा और 4 इंच का चौड़ा ले लिया है। तो अब यहाँ पर हमने इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई हमने कच्ची लगानी है और इसको बाद में खोल लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने मोटा बखिया लगा लेना है और बाद में इसको बेल्ट को पैंट के साथ अटैच करने के बाद हमने इसको खोल लेना है। तो ये देखिए, सिलाई लग गई है और इधर को जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे और इस तरीके से अब हमने इसको फोल्ड करना है। तो अब देखिए, जो नीचे मार्जिन है हम इसको इक्वल कर लेंगे, कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा दिख रहा है तो इसको हम इक्वल कर लेंगे और उसके बाद हम इसको पैंट पर अटैच करेंगे। तो ये देखिए, ये इक्वल हो गया है और अब हमने बुकरम के साथ साथ
इस तरीके से मार्किंग करनी है। इससे हमें आसानी रहेगी जब हम इसको इस पैंट के साथ अटैच करेंगे, तो तब हमने जहाँ पर ये मार्किंग की है चौक से, इसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमारी फिनिशिंग के साथ बेल्ट भी अटैच हो जाएगी। तो देखिए ये फ्रंट पीस हमने ले लिया है और इसकी हमने उल्टी साइड ही अपने साइड रखनी है, और इस तरीके से इस बेल्ट को यहाँ पर रखना है उल्टी साइड में ही, और यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने मार्किंग की है इसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है, तभी हमारी बेल्ट जो है फिनिशिंग के साथ अटैच होगी। और यहाँ पर जो भी मार्जिन आएगा ये प्लीट्स का, तो दोनों को ही दोनों का फेस हमने बैक साइड की ओर रखना है, और इस तरीके से हमारी ये बेल्ट अटैच हो जाएगी। तो ये देखिए बेल्ट हमने लगा ली है, और इस तरीके से उल्टी साइड से ये टर्न होकर सीधी साइड को आएगी, और इस तरीके से नाखून से हमने इसको सेट कर लेना है थोड़ा इस तरीके से। और अब हम पलट कर इसको इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से पलटेंगे और देखिए जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी अभी बेल्ट अटैच करने में, उसी सिलाई के ऊपर ये हमारी बेल्ट आ जाएगी बुकरम मतलब, और इसके ऊपर हमने बिल्कुल किनारे पर फिर सिलाई लगानी है। तो देखिए बिल्कुल किनारे पर बेल्ट के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है, कपड़े और बेल्ट को हमने बिल्कुल भी खींचना नहीं है, और इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए बेल्ट हमारी अटैच हो गई है, और अब हमने ऊपर की साइड भी एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमने बाद में खोल लेनी है, अभी हम एक और सिलाई ऊपर की साइड यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो बिल्कुल किनारे पर हमने देखिए इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई भी लग गई है, और अब हमने देखिए जो ये नीचे सिलाई लगाई थी इसके ऊपर भी हमने एक पैर की दूरी पर यहाँ पर भी एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से सिलाई लगाने से हमारी ये जो बेल्ट है बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी फिनिशिंग के साथ। तो ये देखिए ये सिलाई भी लग गई है, और अब हमने ये जो बेल्ट को अटैच करने के लिए सिलाई लगाई थी स्टार्टिंग में, इसको हमने खोल लेना है। तो ये देखिए एक्स्ट्रा जो हमारी सिलाई थी यहाँ पर कच्ची सिलाई, उसको हमने खोल लिया है, और फिनिशिंग के साथ हमारी ये बेल्ट रेडी हो गई है। अब हमने बैक पीस को ले लेना है और उसके ऊपर हमने इलास्टिक अटैच करनी है। तो ये देखिए बैक पीस मैंने ले लिया है, और सबसे पहले हमने इसका मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने कमर का मेज़रमेंट लेना है, क्योंकि बैक हमने थोड़ी बढ़ाकर काटी है। तो ये देखिए इसकी लेंथ आ रही है 23 के करीब, तो 23 में हमने 2 इंच और ऐड कर लेना है, और 25 इंच की हमने लेंथ की एक पट्टी कट करनी है। तो ये देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो साइड से बचा था, तो 4 इंच हम विड्थ में कट करेंगे और 25 इंच लेंथ में। तो यहाँ पर देखिए 25 इंच पे मैं इस तरीके से मार्क कर लूँगी, और यहाँ पर हम इस कपड़े को कट कर लेंगे, और 4 इंच की हम चौड़ाई ले लेंगे जो हमने फ्रंट में भी ली थी। तो ये देखिए पट्टी मैंने कट कर ली है 25 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी, और अब हमने इसको बैक पर अटैच करना है। तो बैक ले लिया है हमने, और बैक पीस ले लिया है, और इसको हमने उल्टा रखना है अपनी साइड, इसको भी हमने उल्टा रखना है, और इस तरीके से पट्टी रखनी है इसके ऊपर, और यहाँ पर हमने सीधी सिलाई लगा लेनी है आधे इंच का मार्जिन छोड़कर, जैसे हमने फ्रंट में लगाई थी सिलाई सेम उसी तरीके से लगाएंगे, और इसको फिर पलटकर हमने सीधी साइड में सेट करना है। तो ये देखिए बैक हमने उठाकर काटी है, पर यहाँ पर भी आसानी से ये पट्टी हमारी अटैच हो जाती है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से ये जो मार्जिन है इसको थोड़ा सा फोल्ड करके अंदर को सेट करेंगे, और थोड़ा सा लूज रखते हुए हमने पट्टी को स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए ये पट्टी इसके साथ अटैच हो गई है, और अब हमने इसको नाखून से सेट कर लेना है इस तरीके से, नाखून से हमने सेट कर लेना है या प्रेस लगा लेनी है इसके ऊपर, और तभी ये फोल्ड बहुत ही सही तरीके से हो जाती है। और ये देखिए जो मार्जिन है बैक का, इसको ऊपर की साइड ही रखना है, और इस तरीके से नाखून से सेट कर लेना है। और अब हमने इसको फोल्ड करना है, जितनी चौड़ी हमारी इलास्टिक है उतना हमने छोड़ते हुए इसको फोल्ड कर लेना है, और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो एक्स्ट्रा मार्जिन की हमने कटिंग कर लेनी है, और अब इसको फोल्ड करके देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो जो सिलाई हमारी नीचे की साइड दिख रही है जब हमने ये पट्टी अटैच की थी,
तो उसी सिलाई के ऊपर हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने बैक बढ़ाकर काटी थी, तो यहाँ पर भी ये पट्टी आसानी से अटैच हो गई है और फोल्ड हो गई है। तो अब हमने यहाँ पर इलास्टिक डालनी है। तो यहाँ पर जो हमारी कमर है वो है 28 इंचेस, तो 28 का हाफ लेंगे क्योंकि ये हमारा सिर्फ बैक पार्ट है, तो आधा हो जाता है 28 का 14, तो 14 में से भी हमने फिर 2.5 इंच कम करना है। तो यहाँ पर देखिए मेज़रमेंट ले लेंगे, टोटल में 28 थी कमर, 28 का आधा होगा 14, और 14 में से हमने 2.5 कम करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 11.5। तो 11.5 के बाद हमने देखिए 1 इंच मार्जिन का भी लेना है, हाफ हाफ इंच सिलाई में जाएगा, तो 12.5 पर हमने मार्क कर लिया। और अब हमने अभी कटिंग नहीं की है एक्स्ट्रा इलास्टिक की, और इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे। तो ये देखिए इलास्टिक हमने डाल ली है, और यहाँ पर कॉर्नर पर हमने हाफ इंच लेकर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है ताकि ये इलास्टिक यहाँ पर फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई यहाँ पर लगा ली, और दोनों ही साइड में सिलाई लगा ली है, 12.5 इंच की इलास्टिक कट करके दोनों साइड से इसको फिक्स कर लिया है। और अब हमने दोनों साइड से पकड़ कर देखिए इसको दोनों साइड से इस तरीके से खींचना है, और पूरी गैदर्स हमने यहाँ पर सेट कर लेनी है। तो देखिए जो चुन्नटें हैं पूरी ही कमर में बैक पार्ट में मतलब सेट हो गई हैं इक्वली, और अब हमने इसको फ्रंट पीस के साथ अटैच करना है। तो देखिए फ्रंट पीस मैंने ले लिया है, और इसमें जो ये एक्स्ट्रा बेल्ट बाहर को नज़र आ रही है, तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। और यहाँ से भी देखिए हमने इसको ये पैंट के अकॉर्डिंग ही ऊपर से बराबरी पर कट कर लेना है इस तरीके से। और अब हमने इस फ्रंट पीस का हमने ये फ्रंट साइड ही सीधी साइड मतलब अपनी साइड रखी है, और बैक पीस हमने ले लिया है, और उसकी हमने उल्टी साइड अपनी साइड रखी है। इस तरीके से हम दोनों को रखेंगे, और ऊपर की साइड से कमर मिलाकर हमने नीचे तक पूरा चेक कर लेना है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो ठीक है, नीचे से ही हमने सिलाई लगाते हुए ऊपर की ओर आना है, और अगर डिफरेंस आता है तो हमने उसको नीचे से कट करके इक्वल कर लेना है, और दोनों ही पल्लों में स्ट्रेट बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है हाफ इंच का मार्जिन छोड़कर। तो यहाँ पर देखिए हमारे ये दोनों ही पीस बिल्कुल इक्वल हैं, और यहाँ पर आधे इंच का मार्जिन लेकर हमने बिल्कुल ऊपर तक सीधी सिलाई लगा लेनी है। बस डिफरेंस हमारा तब आता है जब हमने बुकरम और इलास्टिक दोनों ही इक्वल चौड़ाई की ना ली हो, बराबरी की चौड़ाई की ना ली हो, तभी हमारा ये दोनों पल्लों में फ़र्क आता है, थोड़े छोटे बड़े हो जाते हैं। तो ये हमने ध्यान रखना है कि बुकरम और इलास्टिक हमारी दोनों इक्वल चौड़ाई की हों, और इस तरीके से ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे, और ऊपर आकर हम पक्का कर लेंगे। तो ये देखिए सिलाई हमारी लग गई है एक साइड में, और अब हमने दूसरी साइड में सिलाई लगानी है। तो ऊपर की साइड से हमने इसको भी इस तरीके से पहले चेक करना है कि नीचे तक दोनों पीसेस बराबर हैं या नहीं। तो इस तरीके से चेक करने के बाद देखिए हमारे इस वाले दोनों पीसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हम कटिंग कर लेंगे, और उसके बाद हम सिलाई लगा लेंगे जैसे सेम हमने जैसे दूसरी साइड पर लगाई थी। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई लगानी स्टार्ट की है, हाफ इंच का हमने मार्जिन छोड़ा है, और देखिए पीछे की साइड से भी हम दोनों ही पीसेस को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा खींचते जाएंगे ताकि इसमें चुन्नट ना आए, झोल ना पड़े। तो इस तरीके से देखिए ऊपर बुकरम भी और इलास्टिक भी हमारी बिल्कुल बराबर आई हैं दोनों, और ऊपर आकर हमने यहाँ पर पक्का कर लेना है। और इस तरीके से देखिए फिनिशिंग से हमारी ये कमर यहाँ पर रेडी हो गई है, और अब हमने देखिए इस तरीके से पलटना है, और यहाँ पर सेंटर की सिलाई लगानी है इलास्टिक के ऊपर। तो ये मार्जिन है इसको देखिए बैक साइड में इस तरीके से पलटना है, यहाँ पे थोड़ा पक्का करते हुए और सीधी सिलाई इस तरीके से लगानी है। तो चलिए इस सिलाई को हम लगा लेते हैं, थोड़ा सा हमने इसको एक बार और खींच कर गैदर्स को सेट कर लेना है। तो इस तरीके से फोल्ड करना है हमने बैक साइड में, और ऊपर की साइड से सिलाई लगाते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई आगे तक लगानी है। तो देखिए सीधी सिलाई मैंने लगा ली है, और एंड में इसको पक्का कर लिया है, मार्जिन हमने बैक साइड की ओर रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर का पार्ट हमारा रेडी हो गया है कमर वाला, और अब हमने यहाँ पर नीचे वाली सिलाइयाँ लगानी है। तो यहाँ पर हमने दोनों ही सिलाइयाँ आसन की इस तरीके से मैच करनी है, और ऊपर वाला मार्जिन एक साइड को, नीचे वाला मार्जिन दूसरी साइड को इस तरीके से सेट करना है, और फिर पूरे नीचे तक हमने इसको चेक करना है कि इधर वाली साइड से भी
नीचे एंड तक दोनों पार्ट इक्वल हैं या नहीं। तो देखिए थोड़ा सा अगर मार्जिन आ रहा है तो उसको कट कर लेना है, और इक्वल है तो उसके बाद ही हम सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने नीचे से बॉटम टर्न करनी है, तो यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, और यहाँ पर कट लगाने के बाद हमने इसको नीचे से फोल्ड करना है। तो ये देखिए कट हमने लगा लिया है, इसको इस तरीके से ओपन करेंगे, और ये जो हमने मार्किंग की हुई है 1.5 इंच की, तो इसको फोल्ड करना है। तो ये मार्जिन जो है अभी देखिए इसको हमने बैक साइड में टर्न किया है, तो इस तरीके से देखिए हमने इसको फोल्ड करना है दोनों साइड के कट। ये देखिए कट है, यहाँ पर कट तक हमने इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। ये वाली साइड का भी हमने कट तक हमने एक फोल्ड करना है, फिर दूसरा फोल्ड करना है, तो दोनों ही कट इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगे। और यहाँ पर अब हमने सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए बिल्कुल किनारे पर हमने ये फोल्ड वाले कपड़े के ऊपर ही सिलाई लगानी है, और देखिए जो सेंटर में सिलाई आएगी बिल्कुल सिलाई से सिलाई सेंटर वाली मैच होनी चाहिए, और इस तरीके से हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। सेम ही तरीके से हम दूसरे पैर की बॉटम को भी टर्न कर लेंगे। तो देखिए दोनों ही बॉटम हमने फोल्ड कर ली हैं, और अब हमने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है उल्टी साइड में, रॉन्ग साइड में हमने इसको फ़ोल्ड करना है, और इस तरीके से ऊपर तक चेक करना है कि दोनों हमारी सेंटर वाली आसन वाली सिलाई मैच हो रही हैं या नहीं, और नीचे 6 इंच बॉटम लेकर हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर हमारी बॉटम टोटल में 12 इंचेस थी, हाफ़ में हमने इसको 6 ले लिया, और आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़कर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। पीछे से हम इस तरीके से कपड़ा खींचते हुए जाएंगे, और बीच में आकर हमने देखिए दोनों ही मार्जिन इस तरीके से रखने हैं, और यहाँ से हमने सिलाई उतार लेनी है। अब हमने दूसरे लेग की भी इस तरीके सेम ही तरीके से सिलाई लगानी है। नीचे से हमने 6 इंच पर मार्क करना है, एक्स्ट्रा मार्जिन की हमने ये कटिंग कर लेनी है जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें बाहर की साइड दिख रहा है, और यहाँ पर भी 6 इंच पे मार्क करके हमने सीधी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर भी देखिए हमने नीचे से सिलाई स्टार्ट की, इसको पक्का किया, और आधे इंच का मार्जिन लेकर हमने सेम तरीके से सिलाई लगा लेनी है, और आसन की जगह पर आकर हमने सिलाई उतार देनी है, और फिर हमने इस पर दोबारा से एक और सिलाई लगानी है, इसको डबल कर लेना है, पक्का कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ से सिलाई उतार दी है, और ये हमारी पैंट की लास्ट सिलाई थी, और अब हम इसको एक सिलाई और लगाकर यहाँ पर पक्का कर लेंगे, और इस तरीके से अब हमारी पैंट रेडी हो गई है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी ये पैंट बनकर दिखेगी। अब हमारी ये पैंट बिल्कुल रेडी है, और देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये बन गई है। अभी हम इसमें प्रेस कर लेंगे, प्रेस मैंने अभी नहीं की है, और इस तरीके से देखिए इसका फाइनल लुक।